हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 ISFR इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। आज के इस वीडियो में हम भारत में वनों की स्थिति, भारत के विभिन्न राज्यों की स्थिति, छत्तीसगढ़ की स्थिति, छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों की स्थिति में वनों की क्या स्थिति रही है, इस पर एक एक करके हम चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो आज के इस डेट में आपका छत्तीसगढ़ का 21 से 31 दिसंबर तक का जो करंट अफेयर का सीरीज है उसका वीडियो आ जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश मैं उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट नहीं कर पाया हूं, इसलिए वीडियो आने में एक दो रोज का समय और लग सकता है। साथ ही साथ जो मैंने आपको कहा था कि जो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का जो नेक्स्ट सीरीज है आपका जुलाई से लेकर दिसंबर मंथ तक का जो करंट अफेयर का जो PDF है आपको 3 जनवरी तक मे बी पॉसिबल मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए अभी वैसे तो वो PDF ऑलमोस्ट आपका प्रिपेयर हो चुका है, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ नए डाटा आ रहे हैं, जैसे आपका ये वन स्थिति रिपोर्ट आ गया है उसके भी डाटा उसमें मुझे आपके टाइप करने हैं, आपका जो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव उसमें जो पुरस्कार वितरण किया गया उसके भी आपके डाटा उसमें भी टाइप करने बाकी है। तो क्या है, जैसे आपको जो करंट अफेयर प्रिपेयर करना है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर आपको लास्ट 6 मंथ का प्रिपेयर करना है, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर आपको लास्ट 1 ईयर के आपके प्रिपेयर करना है। 31 दिसंबर तक के जितने भी करंट अफेयर है वो आप प्रिपेयर करके रखिए, इससे आगे जनवरी के करंट अफेयर आपसे नहीं पूछा जाएगा। 31 दिसंबर आपका लास्ट डेट है, इस डेट तक के करंट अफेयर को ही आप प्रिपेयर कीजिए, ठीक। और बाकी जो आपके वो PDF बन रहा है उसमें ये सब डाटे आपको मिल जाएंगे, जो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का जो आने वाला है किस डेट को आएगा आपको टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब इसके थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक। देखिए भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट आई है ये आपके 16वें नंबर की भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट है। FSI फॉरेस्ट सर्विस ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रत्येक दो साल में वनों की स्थिति की रिपोर्ट जारी की जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी इस जो मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक आपका डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसके द्वारा प्रत्येक दो साल में वनों की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की जाती है। पिछली जो रिपोर्ट आई थी वो थी आपके 2017 में, नई रिपोर्ट आई है अभी आपके 30 दिसंबर को नई रिपोर्ट आई है जो कि आपके 16वें नंबर की भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट है। देखिए भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है आपका 32,87,469 वर्ग किलोमीटर, ठीक। 69, देखिए जो मेरे हिंदी के जो डिजिट है, ये जो आपके न्यूमेरिकल डिजिट रहते हैं हिंदी में, मैं हमेशा कंफ्यूजिंग रहता हूँ, 69, 79 है ना, ये सब मैं कंफ्यूज रहता हूँ। तो जो इंग्लिश में बोलूँगा अगर बाई चांस अगर कुछ गलत निकलता है मुँह से ये जो डिजिट के हिंदी वर्डिंग बोलने में, तो जो इंग्लिश में बोलूँगा उसे समझ जाइएगा, ठीक। तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है आपका 32,87,469 वर्ग किलोमीटर, 32,87,469 वर्ग किलोमीटर। मैं यहाँ वन क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है आपका 32,87,469 वर्ग किलोमीटर, 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है आपका भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। अब देखिए इस भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वनावरण कितना है, वन क्षेत्रफल कितना है और वृक्षावरण कितना है, इसे समझिएगा। सबसे पहले समझिए वनावरण फॉरेस्ट कवर। देखिए ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फॉरेस्ट कवर क्या होता है, ट्री कवर क्या होता है, फॉरेस्ट एरिया क्या होता है, तीनों अलग अलग है। अगर कहीं पे भी हिंदी वर्डिंग में कंफ्यूजिंग लगे आपको, इवन दो आपके क्वेश्चन पेपर में भी, तो क्वेश्चन पेपर में हमेशा इंग्लिश सेक्शन में देखिएगा क्या पूछ रहा है, फॉरेस्ट कवर पूछ रहा है या फॉरेस्ट एरिया पूछ रहा है। देखिए वनावरण जो है आपका भारत का जो फॉरेस्ट कवर है वो है आपका 712,249 वर्ग किलोमीटर, 712,249 वर्ग किलोमीटर, 712,249 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67%, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67%, यानी 21.67% एरिया कवर करता है, ठीक है। ये है फॉरेस्ट कवर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे वन क्षेत्रफल यानी फॉरेस्ट एरिया है भारत का 8,07,276 वर्ग किलोमीटर, 8,07,276 वर्ग किलोमीटर, यानी 8,07,276 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56%, 24.56% हिस्सा कवर करता है। नेक्स्ट है आपका ट्री कवर,
यानी ये वृक्षावरण जो कि है आपका 95,027 वर्ग किलोमीटर, 95,027 वर्ग किलोमीटर जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का आपका 2.89% यानी 2.89% एरिया कवर करता है। अब देखिए एक बार आपको फिर से शॉर्ट में समझा देता हूँ ये कॉन्सेप्ट क्या है। ये है आपका वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर, ये है वृक्षावरण ये है आपका वनावरण फॉरेस्ट कवर, ये है वृक्षावरण ट्री कवर। यदि हम ये दोनों को ऐड करते हैं वनावरण प्लस वृक्षावरण तो हमें प्राप्त होता है आपका वन क्षेत्रफल यानी फॉरेस्ट एरिया। देखिए अब ये वनावरण और ये ये वनावरण और ये वृक्षावरण दोनों अलग अलग कैसे हैं, इसके पीछे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसे समझिएगा, 10% वाला एक कॉन्सेप्ट है। देखिए यदि हम यदि एक भूभाग का सर्वे किया जाता है किसी आपका एक वन क्षेत्रफल का सर्वे किया जाता है तो उस वन क्षेत्र के अंतर्गत आपके नदी नाले पहाड़ पर्वत चट्टान उसके अंतर्गत रहने वाले वन्य जीव उसके अंतर्गत आने वाले वृक्ष सारे चीज़ों को काउंट किया जाता है। लेकिन ये जो वनावरण और वृक्षावरण का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए इसके लिए एक टर्म यूज होता है ट्री कैनपी डेंसिटी। ट्री कैनपी डेंसिटी यानी सघन मंडपाकार आवरण, वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण। मंडपाकार आवरण मतलब जैसे आप गणेश पंडाल देखे होंगे या शादी का पंडाल देखे होंगे, एक स्क्वायर शेप में एक मंडप शेप बना रहता है। ट्री कैनपी डेंसिटी यानी वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण। देखिए यदि किसी भूभाग पर आपका एक फॉरेस्ट का सर्वे चल रहा है या आपका एक वन का सर्वे चल रहा है वहां पे उस भूभाग में उसका एक सर्वे किया जा रहा है तो एक जगह पर आपका वृक्षों का आवरण है, यदि उस भूभाग पे वृक्षों का जो आवरण है सघन मंडपाकार जो आवरण है वो कुल भूभाग का 10% कुल भूभाग का 10% है या कम से कम 1 हेक्टेयर है तो उसे वनावरण के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। किसके अंतर्गत? वनावरण के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। लेकिन किसी भूभाग पर वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण 10% से कम या फिर 1 हेक्टेयर से कम है, 10% से कम या फिर 1 हेक्टेयर से कम भूभाग पर है तो उसे वनावरण के अंतर्गत काउंट ना करके उसे वृक्षावरण के अंतर्गत काउंट किया जाता है। कॉन्सेप्ट है, पूछेगा नहीं, अगर ये शायद आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है लेकिन ये आपसे प्री एग्जाम में पूछेगा नहीं। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखिएगा। वनावरण क्या होता है, वृक्षावरण क्या होता है, वन क्षेत्रफल क्या होता है। वनावरण प्लस वृक्षावरण इज इक्वल टू वन क्षेत्रफल यानी फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर ट्री कवर इज इक्वल टू फॉरेस्ट एरिया। ठीक, इसे याद रखिएगा। भारत का वनावरण है आपका 7,12,249 वर्ग किलोमीटर, वन क्षेत्रफल है आपका 8,07,276 वर्ग किलोमीटर, जबकि वृक्षावरण है आपका 95,027 वर्ग किलोमीटर। ठीक, अब समझिएगा वनावरण फॉरेस्ट कवर, राज्यों की स्थिति क्या है वनावरण के आधार पर, वन क्षेत्रफल के आधार पर और परसेंटेज के आधार पर। सबसे पहले नंबर पर है आपका वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर, इसकी बात कर रहे हैं। भारत का वनावरण है आपका 7,12,249 वर्ग किलोमीटर। ठीक, 7,12,249 वर्ग किलोमीटर ये आपका भारत का वनावरण या फॉरेस्ट कवर है। इसमें वृद्धि दर्ज की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है जैसे कि मैंने आपको बताया जो इससे पिछला रिपोर्ट आया था 2017 में आया था, तो 2017 की तुलना में इस बार में यानी 2019 में भारत के वनावरण में यानी फॉरेस्ट कवर में आपके 3,976 वर्ग किलोमीटर वनावरण की वृद्धि हुई है, फॉरेस्ट कवर की वृद्धि हुई है। कितना? 3,976 वर्ग किलोमीटर आपके वनावरण की वृद्धि हुई है, यानी पिछली रिपोर्ट की तुलना में 0.56% 0.056% आपके वनावरण की वृद्धि हुई है पिछले रिपोर्ट की तुलना में। ठीक, अब देखिए इस वनावरण के आधार पर राज्यों की स्थिति क्या है, फॉरेस्ट कवर के आधार पर राज्यों की स्थिति क्या है। पहले नंबर पर है आपका मध्य प्रदेश, जहाँ पे आपका एरिया है जो आपका फॉरेस्ट कवर है वो है आपका 77,482 वर्ग किलोमीटर। सेकेंड नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे आपका फॉरेस्ट कवर या वनावरण है आपका 66,688 वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पर है आपका छत्तीसगढ़, जहाँ पे आपका वनावरण है 55,611 वर्ग किलोमीटर। चौथे नंबर पर है उड़ीसा, जहाँ पे वनावरण है 51,619 वर्ग किलोमीटर।
और पांचवें नंबर पर है महाराष्ट्र, जहां पे वनावरण है आपका 50,778 वर्ग किलोमीटर। देखिए यहां पे एंट्री हुआ है आपके उड़ीसा का। पिछले बार के जो रिपोर्ट में महाराष्ट्र आपके फोर्थ पोजीशन पर था, लेकिन इधर महाराष्ट्र फिफ्थ पोजीशन पर चले गया है, ओडिशा फोर्थ नंबर पर आया है। ठीक, तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, आपका भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, यदि ये क्वेश्चन आता है तो हमेशा इंग्लिश वाले सेक्शन में देखिएगा, फॉरेस्ट कवर पूछ रहा है कि फॉरेस्ट एरिया पूछ रहा है, दोनों के आधार पर रैंकिंग अलग अलग है। ठीक, फॉरेस्ट कवर के आधार पर पहले नंबर पर है आपका मध्य प्रदेश लगभग 77,000 वर्ग किलोमीटर के साथ, दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश लगभग 66,000 वर्ग किलोमीटर के साथ, तीसरे नंबर पर है हमारा छत्तीसगढ़ लगभग 55,000 वर्ग किलोमीटर के साथ, चौथे नंबर पर है उड़ीसा लगभग 1,000 वर्ग किलोमीटर के साथ, और पांचवें नंबर पर है महाराष्ट्र लगभग 50,000 वर्ग किलोमीटर के साथ। नेक्स्ट है आपका वन क्षेत्रफल यानी फॉरेस्ट एरिया, कौन सा, ये वाला फॉरेस्ट एरिया। तो हमारा जो भारत का जो फॉरेस्ट एरिया है या वन क्षेत्रफल है वो है आपका 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। वृद्धि दर्ज की गई है, यानी पिछली रिपोर्ट 2017 की तुलना में इस बार की रिपोर्ट में जो भारत के वन क्षेत्रफल में जो वृद्धि दर्ज की गई है वो है आपका 5,188 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक, क्या बात हो रहा है, वन क्षेत्रफल यानी फॉरेस्ट एरिया, वृक्षावरण प्लस वनावरण या वनावरण प्लस वृक्षावरण, तब मिलता है आपका वन क्षेत्रफल। ठीक, अब देखिए इस वन क्षेत्रफल या फॉरेस्ट एरिया के आधार पर राज्यों की स्थिति, पहले नंबर पर है आपका मध्य प्रदेश 94,689 वर्ग किलोमीटर के साथ, 94,689 वर्ग किलोमीटर के साथ, 94,689 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर के साथ। सेकंड नंबर पर है आपका महाराष्ट्र जो है आपका 61,579 वर्ग किलोमीटर के साथ सेकंड पोजीशन पर है महाराष्ट्र। देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र आ गया है सेकंड पोजीशन पर 61,579 स्क्वायर किलोमीटर के साथ। पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर आ गया है उड़ीसा, कितना, 61,204 वर्ग किलोमीटर, 61,204 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, थर्ड नंबर पर है आपका उड़ीसा, फोर्थ नंबर पर है हमारा छत्तीसगढ़ 59,772 वर्ग किलोमीटर के साथ, जबकि पांचवें नंबर पर है आपका अरुणाचल प्रदेश 51,407 वर्ग किलोमीटर के साथ। यदि हम पिछले वन रिपोर्ट की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर था, लेकिन इस बार देख रहे हैं पूरा सीक्वेंस चेंज हो गया है, मेन एंट्री हुआ है आपके उड़ीसा का। तो याद रखिएगा वन क्षेत्रफल के आधार पर यानी फॉरेस्ट एरिया के आधार पर पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश लगभग 94,000 वर्ग किलोमीटर के साथ, दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र लगभग 61,000 वर्ग किलोमीटर के साथ, तीसरे नंबर पर है उड़ीसा लगभग 61,200 वर्ग किलोमीटर के साथ, चौथे नंबर पर है आपका छत्तीसगढ़ लगभग 59,000 वर्ग किलोमीटर के साथ, और पांचवें नंबर पर है आपका अरुणाचल प्रदेश लगभग 51,000 वर्ग किलोमीटर के साथ। आंकड़े यदि आपको एग्जैक्ट याद नहीं रहते तो ऐसे ही लगभग में याद रखिए, लगभग 94,000, लगभग 61,500, लगभग 61,200, ऐसे करके याद रखिए। एग्जाम टाइम काफी पास में आ चुका है, जबरदस्ती के आंकड़ों को रटने का काम मत कीजिएगा। ठीक है, एकदम नियर वाले डाटा कभी नहीं पूछता। ठीक, देखिए नेक्स्ट है आपका वन घनत्व या फिर परसेंटेज के आधार पर जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति। देखिए पहले नंबर पर है आपका लक्षद्वीप, वन घनत्व बोलिए या प्रतिशत के आधार पर वनों का क्षेत्रफल बोलिए, उसमें पहले नंबर पर है लक्षद्वीप, जिसमें लक्षद्वीप के कुल भूभाग के 90.33% यानी 90.33% भूभाग पर आपका वन है, यानी लक्षद्वीप के कुल भूभाग का लगभग 90% भूभाग आपके वनों से घिरा हुआ है। सेकंड नंबर पर है आपका मिजोरम, मिजोरम के कुल भूभाग का 85.41% भूभाग आपके वनों से घिरा हुआ है। तीसरे नंबर पर है आपका अंडमान निकोबार, जिसके कुल
भूभाग का 81.74% भूभाग यानी 81.74% आपका जो एरिया अंडमान निकोबार का वनों से घिरा हुआ है। ये सारे डाटा को याद रखिएगा, स्पेशली यहाँ वाले जो डाटा है ना इसे स्पेशली याद रखिएगा सेकंड नंबर वाले को, साथ ही साथ परसेंटेज को भी याद करते हुए चलिएगा, परसेंटेज से इस बार क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए, इस बार जो आपको वन रिपोर्ट पेश किया गया है ISFR 2019, इस 2019 में पिछले रिपोर्ट 2017 की तुलना में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, किस जगह वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, किस जगह वन क्षेत्रफल में कमी आई है, समझिए। पहले नंबर पर है कर्नाटक, देखिए वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि, पिछले वन रिपोर्ट की तुलना में इस बार का जो वन रिपोर्ट है उसमें कर्नाटक के वन क्षेत्रफल यानी ये वाला आपको वनावरण वाली बात की जा रही है, उसमें आपके कर्नाटक में आपका 1025 वर्ग किलोमीटर वनावरण की वृद्धि हुई है। सेकंड नंबर पर है आपका आंध्र प्रदेश, जहां पे 990 वर्ग किलोमीटर आपके वनावरण की वृद्धि हुई है। और तीसरे नंबर पर है केरल, जहां पे 823 वर्ग किलोमीटर आपके वनावरण की वृद्धि हुई है। देखिए ये प्रश्न भी अलग से पूछ सकता है कि ISFR 2019 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में वनावरण में वृद्धि दर्ज की गई इस साल, या इस रिपोर्ट में आपके किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, तो कौन सा है आपका कर्नाटक। अब देखिए वनावरण में कमी दर्ज, इस बार की जो रिपोर्ट आई है 2019, इसमें पिछले रिपोर्ट की तुलना में यानी 2017 की तुलना में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आपके वनों के क्षेत्रफल में या वनावरण क्षेत्रफल में कमी दर्ज की गई। पहले नंबर पर है मणिपुर, जहां पर 499 वर्ग किलोमीटर, देखिए माइनस लिखा हुआ है, -499 स्क्वायर किलोमीटर, 499 वर्ग किलोमीटर आपके वनों की कमी आई है, वनावरण की कमी आई है। सेकंड नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश, जहां पर 279 स्क्वायर किलोमीटर, -279 स्क्वायर किलोमीटर आपके वनावरण की कमी आई है। थर्ड नंबर पर है मिजोरम, जहां पर आपके -180 यानी 180 वर्ग किलोमीटर वनावरण की कमी आई है। यानी इस बार की वन रिपोर्ट में ये सामने आया है कि सर्वाधिक वनों में कमी दर्ज की गई है या वनावरण में कमी दर्ज की गई है, कहां पर, आपके मणिपुर में। नेक्स्ट है आपका मैंग्रोव वन या मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर या मैंग्रोव वन क्या होता है, आपके सदाबहार वन, इसका भी अलग से रिपोर्ट आपका उसमें हाईलाइट किया गया है। तो ये जो आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर है या जो मैंग्रोव वन है वो भारत के कुल 4975 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, भारत के कुल 4975 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है, समझिएगा। इस सदाबहार वन बोलिए या इस मैंग्रोव वन या इस मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर में आपका अग्रणी राज्य है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आपका 2112, देखिए आंकड़े बहुत इजी है इसके, 2112 स्क्वायर किलोमीटर आपके पश्चिम बंगाल में है। सेकंड नंबर पर है आपका गुजरात, जहां पे 1177 वर्ग किलोमीटर आपके गुजरात में है मैंग्रोव वन। और तीसरे नंबर पर है आपका अंडमान निकोबार, 616 वर्ग किलोमीटर आपके अंडमान निकोबार के अंतर्गत मैंग्रोव वन है। देखिए एरिया के हिसाब से देखिए या परसेंटेज के हिसाब से देखिए, सीक्वेंस वही है, सर्वाधिक मैंग्रोव वन परसेंटेज के आधार पर 42.45% यानी सर्वाधिक आपका पश्चिम बंगाल में है। सेकंड नंबर पर है 23.64% के साथ गुजरात, और थर्ड नंबर पर है 12.39% के साथ आपका अंडमान निकोबार। ठीक, तो मैंग्रोव वन जिसका कुल एरिया है भारत में 4975 स्क्वायर किलोमीटर यानी 4975 वर्ग किलोमीटर, सर्वाधिक है पश्चिम बंगाल पे, सेकंड नंबर पर है गुजरात और थर्ड नंबर पर है अंडमान निकोबार। अब छत्तीसगढ़ की स्थिति देखिए इस भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अंतर्गत, वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर, छत्तीसगढ़ में वनावरण या फॉरेस्ट कवर है आपका 55,600 वर्ग किलोमीटर, जो कि आपका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 41.13% भूभाग पर फैला हुआ है। सेकेंड, छत्तीसगढ़ का जो वन क्षेत्रफल है वो है आपका, यानी फॉरेस्ट एरिया है वो है आपका 59,772 वर्ग किलोमीटर, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल भूभाग का 44.21% भूभाग पर फैला हुआ है। एक और आंकड़े है उसे समझिएगा,
पिछले वन रिपोर्ट की तुलना में यानी 2017 की तुलना में छत्तीसगढ़ में जो वनावरण में जो वृद्धि दर्ज की गई है वो है आपके 64 वर्ग किलोमीटर आपके वनावरण की वृद्धि दर्ज की गई है पिछले रिपोर्ट की तुलना में। इसको अलग से याद रखिएगा, वनावरण में 64 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक, अब समझिए 18 जिलों के आधार पर जो रिपोर्ट पेश हुआ है उसमें छत्तीसगढ़ के 18 जिलों के आधार पर रिपोर्ट पेश हुआ है। छत्तीसगढ़ का एक अलग से उसमें चैप्टर दिया गया है जिसमें छत्तीसगढ़ के 18 जिलों के आधार पर 18 जिलों का उसमें आंकड़ा दिया गया है। ठीक, देखिए समझिएगा, फॉरेस्ट कवर यानी आपका ये जो आपका इसके आधार पर वनावरण के आधार पर क्षेत्रफल के आधार पर यदि हम देखें तो सरगुजा सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ पर है, क्षेत्रफल के आधार पर सरगुजा जहाँ पे 7082 वर्ग किलोमीटर है। सेकंड नंबर पर है बीजापुर जहाँ पर आपका 6512 वर्ग किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर है आपका दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जहाँ पर 4463 वर्ग किलोमीटर आपका वन क्षेत्रफल है। देखिए समझिएगा, सरगुजा, ये जो सरगुजा है यानी सरगुजा संभाग उस समय उसमें 3 जिले थे। सरगुजा संभाग में आपके 3 जिले थे 2011 की जनगणना के आधार पर। 2011 यानी 2012 में जो नए जिले बने हैं उसे इसके अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक, तो 2011 की जनगणना के आधार पर जो आपके 18 जिले मौजूद थे उन 18 जिलों के आधार पर ये आंकड़े पेश किए गए हैं। तो यानी 2011 में सरगुजा जो था सरगुजा संभाग के अंतर्गत केवल 3 जिले आते थे, कोरिया, सरगुजा और आपका जशपुर। उस समय बलरामपुर और आपका सूरजपुर बना नहीं था। ठीक है, तो इसके कारण ये सरगुजा का एरिया काफी बड़ा है, इसके अंतर्गत आपका बलरामपुर और सूरजपुर दोनों आ जा रहे हैं। तो ये है आपका 7082 वर्ग किलोमीटर। सेकंड नंबर पर है बीजापुर 6512 वर्ग किलोमीटर और तीसरे नंबर पर है दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। देखिए इसका पूरा नाम एक्चुअली में दंतेवाड़ा ही है लेकिन इसका पूरा नाम है दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। बस्तर 3 भाग में बटा हुआ था, उत्तर बस्तर यानी कांकेर, मध्य बस्तर यानी बस्तर, दक्षिण बस्तर यानी दंतेवाड़ा। तो ये जो आपका दंतेवाड़ा है 2011 की यदि जनगणना के आधार पर देखे तो उस समय बस्तर से आपका ये जो दंतेवाड़ा है दंतेवाड़ा से आपका सुकमा अलग होने को था, दंतेवाड़ा से आपका सुकमा अलग नहीं हुआ था। तो ये उस समय का है आपका दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। ठीक, अब समझिएगा, सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल के आधार पर सबसे न्यूनतम है आपका जांजगीर चांपा जहाँ पे मात्र 146 वर्ग किलोमीटर पर आपको वन क्षेत्रफल है। यदि हम प्रतिशत के आधार पर देखें तो प्रतिशत के आधार पर सबसे आगे है आपका नारायणपुर के कुल भूभाग के आपके 81.59% भूभाग पर आपका वन क्षेत्र है। सेकेंड नंबर पर है बीजापुर जिसके कुल भूभाग के आपके 76.34% यानी 76.34% भूभाग पर आपका वन क्षेत्रफल है। और तीसरे नंबर पर है कोरिया जिसके कुल भूभाग का आपका 62.03% भूभाग पर आपका वन क्षेत्रफल है। इसमें भी न्यूनतम है आपका जांजगीर चांपा जिसके कुल भूभाग के केवल 3.89% भूभाग पर आपका वन क्षेत्रफल है। ठीक, तो ये जितने भी आंकड़े मैंने बताए सारे आंकड़े को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। ये 64 वर्ग किलोमीटर को थोड़ा अलग से याद रखिएगा, इससे भी बेसिक क्वेश्चन बन सकता है, पीएससी में भी नहीं पीएससी के बाद होने वाले किसी भी एग्जाम में, क्योंकि ये आंकड़े अगले 2 साल तक एज इट इज रहने वाले हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट आपका 2021 में आएगा, 21 के एंड में आएगा ऐसे ही दिसंबर में। ठीक, तो 2 साल तक ये आंकड़े एज इट इज रहने वाले हैं, इनको अच्छे से पढ़िएगा। बाकी ये जितने भी डाटा दिख रहे हैं इसे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जुलाई टू दिसंबर मंथ वाले पीडीएफ में इन डाटा को भी डाल दूंगा। ठीक, तो आज के वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, किसी प्रकार का डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।